वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारे साथ वन एंड ओनली द दानिश। आई एम ऐसे फ्रेंतुगिरी करने निकले हैं, तो वैसे तो सोचा है एक जगह को जाने के लिए जहाँ पे जाना है। दानिश, जो मेरा रोस्टिंग वाला आइडिया था कैसा है? बहुत सही, एक नंबर। टॉपिक डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी, बट आइडिया तो आया। अब देखो क्या करते हैं। वैसे बनाऊंगा स्क्रिप्ट तो बनाऊंगा पूरी, और आपको सिदड़े के हाल दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन ने क्या हाल किया हमारे सिदड़े का, तो ये देखो। तो गाइस ये देखो, ये था हमारा सिदड़ा। ये रायका के जंगल जिनकी बहुत बुरी हालत है, वो देखो सामने पूरी वेजिटेशन ही उधर कर दी बेड़ा गर्क। देखो भाई, ऐसे तो एक टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें ग्रीन अमीशन, अपनी कार्बन अमीशन कम करनी है, इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई पेड़ काट के कौन सा अगर तुम वो कर रहे हो, डेवलपमेंट जरूरी है? हम नहीं कहते नहीं है जरूरी, बट इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आप फॉरेस्ट के फॉरेस्ट ही काट दो, वो भी किस चीज़ के लिए? हाई कोर्ट के लिए। जैसे कि जम्मू के पास एक एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है ही नहीं ना, तो इसलिए बना रहे हैं। भाई मौसम में चेंज देख रहे हो, जम्मू से हम खींच के कोई 10 किलोमीटर भी नहीं आए अभी, तो चेंज देख लो, बादल लगे हैं इधर और पीछे धूप आपने भी देखी। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, जो कि आई डोंट लाइक, बट चलो अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का राज है, हम कौन होते हैं। आगे आने वाली है तूते दी खुई, ये पुल के आगे जहाँ की बर्फी बड़ी फेमस है, आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ की बर्फी बड़ी फेमस है। गाइस ये जगह, ये नीचे ये हलवाई की दुकान है, ये वाली जहाँ की बर्फी बड़ी फेमस है, और आगे छबील लगी है। पानी पी लेते ना, पानी पी लेंगे इधर छबील का पुल है, और पीछे एक I-20 काली पड़ी है, अब इसको मगर लगा ही लेते हैं। ज्यादा ही मगर लगी है, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा। इधर का व्यू भी देख लो साथ में। भाई अभी कुछ हुआ है, बता नहीं सकते क्या, पर हुआ बड़ा खतरनाक है। क्या दानिश, क्या रिएक्शन है? साले घर भेज भी बस बस हवा निकल गई यार। पर दानिश, ना तुझे आइडिया ना मुझे आइडिया, हुआ क्या ये? पता भी नहीं चलेगी। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम कहां पहुंचे हैं, एक बार व्यू चेक करो। ये बजालता जाते हुए जो पहला व्यू पॉइंट है वो है, और इधर जो लोग आते हैं उनका मेन कार्य ये होता है, ये इधर यही कैटेगरी के लोग आते हैं। तभी हम आपको इधर से तभी का व्यू दिखाते हैं। चलो व्यू चेक करो एक बारी। हम दूसरे व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ का व्यू पॉइंट देख लो, ऐसा व्यू है यहाँ का, कुछ ग्रीन पहाड़, और यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं फैमिलीज वगैरह के साथ। तो यही है इधर। अब हम इधर से सीधे सुरुईसर जाएंगे, तो बाकी आपको बताते हैं सुरुईसर में क्या क्या करने को, तब तक लिए स्टे ट्यून्ड। तो एक और चीज़ याद आई मुझे, और ये स्पेसिफिकली ना मेरे मोहल्ले वाले प्यारे लोगों के लिए, जो भी समझदार मेरी गाड़ी के ऊपर ये गम फेंकता ना चिपकाने वाली, अगर होगा ना तो मेरे सामने फेंकना किसी दिन, ठीक है, फिर मजा आएगा। गाइस अभी हम देख लो पहुंच गए सुरुईसर लेक। ये देख लो पूरा लेक का व्यू, काफी पीसफुल जगह है एज कम्पेयर टू मानसर ना। इधर अभी रश कम है तो अच्छी बात है, वैसे रश है काफी, बट मानसर से कम है तो काफी पीसफुल जगह है ये आने के लिए ना, अगर आपको फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह मनानी है तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो। और ये भी मानते हैं कि जो ये लेक है ना, ये मानसर से अंडरग्राउंडली लिंक करती है। ये महाभारत में इसका वो है पूरा वर्णन, या उल्लेख कहते हैं जिसको, वो महाभारत से है इसका। तो बस यही हिस्ट्री है इस लेक की। तो अभी हम इधर बैठे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकलेंगे आगे, उधर कोई एक्टिविटी एरिया है इधर का जहाँ पे झूले वगैरह पता नहीं कुछ है, तो उधर भी जाएंगे तो बताएंगे आपको उधर क्या क्या कर सकते हैं। वैसे अभी हम एडवेंचर, ये तभी एडवेंचर पार्क है कोई सुरुईसर का, उधर आए हैं
तो इधर झूले वगैरह बच्चों के लिए देख लो। तानिश तेरे लिए वो एरोप्लेन वाला झूला ठीक है? नहीं बिल्कुल सर, मेरे लिए वो एकड़ा जहाज ही सही, यही तो उड़ने को मिल जाएगा। वो देखो बोट भी है पीछे और वो एक बड़ा झूला, ये हमारे लायक है पर ये हमें करने देंगे नहीं तो फायदा नहीं। मतलब छोटे बच्चों के लिए ही है ये सारा, बड़ों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये देखो ये वो है, यहाँ पे बोट चलाते हैं बच्चे, वो वाला ये वो स्लाइड्स वगैरह। कोई तानिश ये क्या है बड़े वाला, ये क्या हो सकता है? ये चला देख के ये देखते हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा। अबे आया तो ये भैया मैं कर सकता हूँ मेरा 98 सीधी बात बता दो। हाँ सीधी टेडी क्या करनी, आप कम ही जाओगे जैसे ज्यादा बंदा जाता है ना हाइट। हाँ 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 अच्छा इसका वेट कम होता है। कितना है इसका? इसका 300 300 है ठीक है। भैया ने सीधी बात बताई है तो कर ली तू वे ना, जब ऊपर जा ही नहीं पाएंगे तो करके फायदा भी क्या है, किसी और दिन करेंगे। तो आपको अभी वो वाला दिखाते हैं जो इधर जिसको देख के हम कंफ्यूज्ड हैं अभी तक। चलो इंटरेस्टिंग लगा, अभी हम उन वाले भैया के पास जा रहे हैं। भैया है क्या ये? मतलब लेके जाते हैं या उधर से कुदाता है? अच्छा कितना है इसका? फाइव हंड्रेड पर पर्सन है इसका, उसी 500 में। अच्छा तो ये इधर का हिसाब किताब है, तो जिसका मन हो वो आ सकता है यहाँ पे। चलो यार हम ट्रेन में 80 रुपये पे दे के बैठ जाते हैं तनिश, ठीक है? नहीं उधर चलते हैं। तभी हम इधर तिरुपति बालाजी मंदिर जा रहे हैं, वैशगंज इधर भी आ गया है बदाम शेख वाला। तो अब हमको मंदिर का दिखाते हैं, वैसे तो आज संडे रश निकल ही होगा यहाँ पे, पर देख लेते हैं जाके। वैसे देखो मंदिर बनाया कितनी मतलब फॉरेस्ट के बीच में, फॉरेस्ट एरिया पूरा उसके बीच में बनाया, थोड़ी रोड चौड़ी होनी चाहिए, रोड थोड़ी छोटी है। और आपको हम मंदिर दिखाते हैं, बाकी चलते हैं आगे। अभी हम ऊपर पहुंच गए मंदिर तक, रश तो है तो अभी दर्शन करके फिर बताएंगे आपको। इधर से पूरा जम्मू दिखता है तभी दिखती है, और ये सामने तिरुपति बालाजी मंदिर। फिर अब इधर शूज़ उतारने का एरिया ये है, तो अब हम दर्शन करके फिर आपको मिलते हैं। करेगा कुछ? कुछ भी नहीं किया। सुबह फिशर साइड करना है। और एक उधर है अपाचे हटियार, देखते हैं क्या करते हैं। आ तो रही है अपाचे भाई, करेगा कुछ? सुबह स्टॉपिंग आ रही है, एक अपाचे आई नहीं है, नहीं है नहीं, छपरी भी नहीं रही ये लोग। बिल्कुल ही नीचे ही चलेंगे। अभी एक और आ रही है, देखते हैं। एक ही ब्लॉग में इतना ही, तो बताना क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए ब्लॉग में या क्या क्या चीज़ें देखनी है। और अब हम तानिश को उतारेंगे ग्रेट क्लास बाईपास, और उसके बाद हम वो करेंगे घर जाएंगे, और कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो दिखाएंगे।